भगवान महावीर को जब कोई पत्थर मारता है तो वह शांत खड़े रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते। अब साधारण बुद्धि का व्यक्ति सोचेगा कि महावीर को उससे भी बड़ा पत्थर उठाकर सामने वाले को मार देना चाहिए। और अगर भगवान महावीर उससे बदला नहीं लेते तो इसका अर्थ ये है कि वह डरपोक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान महावीर को पत्थर मारने वाले की हरकत बचकानी लगती है, क्योंकि भगवान महावीर एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। बुद्ध को कोई गाली भी दे तो भी वो शांत रहते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद पर काबू पा लिया है। लेकिन लोग कहेंगे कि बुद्ध डरपोक होते हैं, इसलिए वो पलटकर गाली नहीं देते, पलटकर किसी को पत्थर नहीं मारते, पलटकर किसी को जवाब नहीं देते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान बुद्ध एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। महान व्यक्ति चुगली, गालियां, मारपीट, लालच, कपट, लोभ, मोह माया, गुस्सा, इन सब से ऊपर उठकर अपने ही दुनिया में खुश, शांत और मस्त रहते हैं। उसे लोगों को सफाई देने या उनसे बहस करने या उनसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। परंतु साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अगर कोई शांत रहता है, परंतु साधारण बुद्धि वाले इन्हें अपनी सोच से तोलते हैं। याद रखना, अगर कोई व्यक्ति शांत रहता है, गालियां नहीं देता, जवाब नहीं देता, या बहस नहीं करता, या किसी झगड़े पर कोई विवाद नहीं करता, तो इसका ये अर्थ नहीं हुआ कि वो कायर है, बल्कि इसका अर्थ ये है कि वो महान व्यक्ति है। क्योंकि महान व्यक्ति साधारण बुद्धि वाले को जवाब देने में कोई रुचि नहीं रखता। अब आप मुझसे कहेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग नहीं हैं, आप तो अंधकार में हो। लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? यदि हाँ तो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं यस और नो, ताकि सबको पता चले कि आज भी दुनिया में ऐसी मानसिकता वाले लोग जीवित हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों को फर्क पता चल सके कि असल में महान व्यक्ति कौन होता है और उसकी पहचान क्या होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल साहिल चर्माराजपुरा को आज से ही सब्सक्राइब करना शुरू कर दिए, क्योंकि यहाँ आप और आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। धन्यवाद।